गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम यूअर क्लास नाउ थर्ड चैप्टर चलेगा आपका साइंस का डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन आपने ऐसे पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है लिविंग थिंग्स एंड आपने ये भी बता चुके हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है जैसे लिविंग थिंग्स में हमने प्लांट्स और एनिमल्स पढ़े थे इस चैप्टर में आपको प्लांट्स और एनिमल्स का ही देखना है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मैनी अराउंड अस अब अब जो प्लांट्स हैं आप अपने अराउंड में देखिए कितने सारे हैं मैनी वेराइटीज बहुत सारी वेराइटीज़ के हैं सम प्लांट्स लाइक ग्रास जैसे ग्रास मीन्स घास ओके घास तो ये है सारे क्या है ग्रासेस है तो ये ग्रासेस है आर शॉर्ट कैसे है शॉर्ट है ये आपको ट्री जैसे तो नहीं दिख रहे एंड प्लांट भी नहीं दिख रहा है तो प्लांट अलग होते हैं प्लांट छोटे होते हैं ओके okay? तो ग्रास उससे भी छोटे होते शॉर्ट एंड वाइल अदर आर टॉल एंड हैव अ कैनोपी देखिए अदर प्लांट्स की बात करेंगे टॉल होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं और कुछ कैनोपी होते हैं कैनोपी मीन्स कैनोपी कुछ ऐसे होते ये इस तरह दिखते हैं ओके okay? ये कैनोपी जैसे दिखते हैं सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो आ, कैसे पानी के अंदर ग्रो होते हैं अंडर वाटर बोले ना वाइल सम अदर फ्लोट ऑन वाटर और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं फ्लोट मीन्स तैरना तो कुछ प्लांट्स अंदर ग्रो होते हैं और कुछ ऊपर में ग्रो होते हैं ओके वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डिजर्ट देखिए कुछ प्लांट्स क्या होते हैं डिजर्ट में ग्रो होते हैं जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं वो डॉडर प्लांट्स जो कि डिजर्ट में ग्रो होते हैं ओके फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी इन सेम टाइप ऑफ प्लांट्स तो जैसे कि प्लांट के क्या है बहुत सारी वेराइटीज हैं ओके फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस एंड वीट, राइस और वीट के भी अलग अलग प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस एंड मैंगोज़, अब देखो रोजेज़ के क्यों डिफरेंट टाइप्स हैं क्योंकि रोजेज जो होते हैं ना एक तो पिंक कलर के होते हैं रेड कलर के होते हैं येलो वाइट ये कलर कलर्स के रोजेज होते हैं मैंगोस डिफ़रेंट फ्लेवर्स के होते हैं सम प्लांट्स ग्रो इवन दिस आर वेरी डिफरेंट फ्राम ऑर्डिनरी प्लांट्स लेटस स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमोंग प्लांट्स देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बिना इस्टेम बिना विदाउट स्टेम रूट लीव्स इसके बिना वो प्लांट्स तैयार होता है ओके और अलग अलग वेराइटीज़ है प्लांट्स की ओके और कुछ प्लांट्स जो होते हैं लीव्स लीव्स हो गया स्टेम एंड रूट से ही वो प्लांट्स तैयार होते हैं और कुछ है जो कि विदाउट स्टेम लीव्स और रूट्स के ग्रो होते हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स मीन्स जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक फॉर एग्जाम्पल है पोमीग्रेनेट पेरीविंकल देखो पोमीग्रेट ग्रेनेट का मीन्स होता है अनार जो कि ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सम प्लांट्स लाइक फंजा लॉरेंथस एंड ऑर्डर यूज अदर प्लांट्स ये क्या करते हैं अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और मीन्स होता है वो फूड के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उसको कहते हैं हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स अब कुछ प्लांट्स है जो इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं कंज्यूम करते हैं देखिए प्लांट्स इवन कंज्यूम इंसेक्ट्स वो क्या करते हैं अदर अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं अपना फूड बनाते हैं उसको कहते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स या इंसेक्टिव ठीक है yeah, तो for, उसके एग्जाम्पल क्या है इंसेक्टिवॉरस की पीचर प्लांट ना ये जो ये, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ना ये है पीचर प्लांट जो कि यहाँ से वो क्या कहते हैं अपना इंसेक्ट्स को क्या करता है कंज्यूम करता है, गरता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जो प्लांट है वो दो पार्ट में डिवीज़न है स्टेम में और दूसरा रूट में अगर मैं बोलती हूँ ग्रोस अब ऑफ द ग्राउंड तो आप स्टेम समझिए मींस, ये आपका रूट पार्ट है यहाँ से ऊपर जितना पार्ट रहता है यह आपका स्टैम पार्ट है ओके okay, यहाँ तक ये आपका रूट पार्ट है तो रूट बिलो द ग्राउंड तो रूट एंड अबव द ग्राउंड तो स्टेम सो मेन पार्ट है ये रूट स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम टाइम टू टाइम देखो क्या होता है प्लांट का मेन पार्ट फ्लावर्स हो गया स्टेम हो गया ली अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं अपना फूड बनाते हैं उसको कहते हैं इंसेक्टिफोर प्लांट्स या इंसेक्टिव फॉरस ठीक है तो उसके एग्जांपल्स क्या है इंसेक्टिवस्ट की पीचर प्लांट नाउ ये, ये, ये जो आपको प्लांट दिख रहे ना ये है पीचर प्लांट जो कि यहां से वो क्या करता है अपना इंसेक्ट को क्या करता है कंज्यूम करता है नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जो प्लांट है वो दो पार्ट में डिवीज़न है स्टैम में और दूसरा रूट में अगर मैं बोलती हूँ ग्रोज अबो द ग्राउंड तो आप स्टैम समझिए मीन्स ये आपका रूट पार्ट है यहाँ से ऊपर जितना पार्ट रहता है ये आपका स्टैम पार्ट है ओके यहाँ तक ये आपका रूट पार्ट है तो रूट टू तो बिलो द ग्राउंड तो रूट एंड अबोफ द ग्राउंड तो स्टेम सो मेन पार्ट है ये रूट स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम टाइम टू टाइम देखो क्या होता है प्लांट का मेन पार्ट फ्लावर्स हो गया स्टेम हो गया लीव फ्रूट्स ये भी मेन पार्ट्स हैं ओके एंड रूट जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे ग्रो करेंगे फ्लावर्स को फ्लावर्स के बाद फिर फ्रूट्स में ट्रांसफर करेंगे एंड जो भी आप प्लांट को तैयार करते हो तो आप रूट्स में क्या आप क्या करते हो सॉइल में आप तो सीड डाल सीड डालने से क्या होता है रूट वो धीरे धीरे बनता और फिर रूट के बाद तो स्टैम हो गया आपके पास एक प्लांट तैयार होगा ओके okay? ना अब ये इस रूट के बारे में लेते द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट प्लांट का स्ट्रक्चर द फ्लावर फ्लावर आप देखते हो इज अट्रैक्टिव पार्ट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इट इज़ कनेक्टेड टू स्टेम बिल्कुल ये जो आपके फ्लावर्स हैं ये क्या है मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं एंड कनेक्ट होते हैं वो स्टैम से ओके एंड टिपिकल कलर्स होते हैं उसके शेप होते हैं एंड इंपॉर्टेंट उसका रोल है रिप्रोडक्शन का क्योंकि फ्लावर्स से वो ट्रांसफ़र होता है फ्रूट्स में जैसे ये फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं ओके नाउ स्टैम स्टैम देखिए स्टैम ये है आपका क्योंकि स्टैम नहीं होगा तो लीफ नहीं आएगी ओके okay, स्टैम किस पे डिपेंड होता है हाइट पे शेप पे एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन स्टैम तो स्टैम का रोल क्या, क्या होता है उसका फंक्शन क्या होता है प्रोडक्शन वो अपना जो भी है मीन्स अपना फूड स्टोर करने का, का काम करता है एंड अगर उसके पास